कि आपको इसमें कार्ड प्रिंट करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। जो कार्ड प्रिंट का जो नया ऑप्शन है वो ही बिठा दिया है और कोई भी लाइट डार्क का सारा सेटिंग इसमें मैन्युअली एप्सन ने ही दे दिया है, आपको ये सिंगल साइड प्रिंट करके देता है। और नमस्कार दोस्तों, एप्सन L805 आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा, किसी का शॉप तो इसके ऊपर ही चलता है और आप सभी ने इससे बहुत पैसे कमाए हुए होंगे। तो दोस्तों, ये अभी मार्केट में मिलने वाला नहीं है, जिसके पास स्टॉक है उसके पास ही मिलेगा। और एप्सन ने L8050 इसका अपडेट मॉडल, बेहतरीन सा मॉडल अपडेट कर दिया है, तो ये अभी जो है वो मार्केट में आपको मिलने वाला प्रिंटर नहीं है। ये नया मॉडल आ गया है L8050। इसमें कंपनी ने क्या क्या नया अपडेट कर दिया है, कौन सी बेहतरीन बात है, आज इस वीडियो में आखिर तक देखने के बाद आपको बेहतरीन सी जानकारी मिलने वाली होती है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई अपडेट के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। एप्सन न्यू लॉन्चिंग L8050 के बारे में बात करें तो ये L805 का नया मॉडल, नया लुक है। ये L805 का जो साइड में टैंक लगाई हुई होती है, तो इसमें स्मार्ट इंक टैंक आ गई है। L8050 में इनबिल्ड इंक टैंक आ गई है, इसका लुक ही पूरा चेंज हो गया है। इसके ऊपर आप स्कैनर रख सकते हो, इसका प्रिंट का जो प्रिंट ट्रे था वो भी एकदम बेहतरीन सा चेंज हो गया है। और इसमें जो पेपर ट्रे आ रही है वो पेपर ट्रे कंपनी से ही पेपर ट्रे आपको मिल जाती है, और एक ही साथ दो कार्ड और सीडी का जो है इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है। और ये बेहतरीन सा लुक है, पुराने मॉडल में आप स्कैनर ऊपर नहीं रख सकते थे, इसमें आपको स्कैनर ऊपर रखना है, कोई भी चीज ऊपर रखनी है तो आप ये प्रिंटर में रख सकते हैं। इसमें पेपर ट्रे के बारे में बात करें तो लीगल A4 और 4x6 और इससे भी बढ़िया छोटा से छोटा कार्ड भी आप पेपर ट्रे में रख के प्रिंट कर सकते हैं। और कार्ड के बारे में बात करें तो आप 2 कार्ड ही इसमें मैक्सिमम प्रिंट कर सकते हैं और सीडी भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें कलर की बात करें तो ये 6 इंक कलर प्रिंटर है, CMYK, लाइट सियान और लाइट मेजेंटा। इसमें पर बोतल आपको 70 ml की मिलने वाली होती है और इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये 790 rupees अराउंड आपको पर बोतल मिल जाती है। इसकी पेज यील्ड के बारे में बात करें तो पेज यील्ड कंपनी आपको 3000 ब्लैक एंड व्हाइट और कलर 7000 अराउंड बताती है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपकी एक बार इंक टैंक फुल हो जाती है तो आप 3000 से लेकर 4000 मल्टीपर्पज यूज में निकाल सकते हैं। इसकी कॉपी स्पीड के बारे में बात करें तो आपको इसमें कॉपी स्पीड A4 कलर निकालो या ब्लैक एंड व्हाइट निकालो 22 पर मिनट निकलने वाली होती है, तो ये बेहतरीन सी स्पीड आपको एप्सन प्रिंटर दे देता है। और आप 4x6 बॉर्डरलेस की प्रिंट की बात करें तो 25 सेकंड में ही ये फास्ट प्रिंटिंग करके आपको दे देता है, वो भी स्टैंडर्ड कॉपी के साथ। दोस्तों, इसकी प्रिंट भी बेहतरीन है, इसकी फोटो प्रिंट है वो बेहतरीन आने वाली होती है। इसकी फोटो प्रिंट आप स्टिकर सीट, मेट, ग्लोसी, कोई भी मीडिया इसमें चला सकते हैं, बटर प्रिंट भी निकल जाती है। ये सिंगल फंक्शन प्रिंटर है, इसमें आप सिर्फ प्रिंट और कार्ड ही प्रिंट कर सकते हैं, इसमें आप जेरोक्स और स्कैनिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल फंक्शन प्रिंटर है। इसकी प्रिंट DPI भी बेहतरीन है, प्रिंट DPI के बारे में बात करें तो 5770 से लेके 1440 प्रिंट DPI आपको इसमें मिल जाता है। इसमें पेपर ट्रे की बात करें तो ये L805 में जो ऊपर पेपर ट्रे आती है वैसी ही मिल जाती है और वहाँ बेहतरीन सा आपको सपोर्ट भी मिल जाता है।
इसमें डिस्प्ले आने वाली नहीं है जो पुराना मॉडल था, जो वाईफाई का ऑप्शन आ रहा था और स्टॉप का ऑप्शन आ रहा था वैसा ही ऑप्शन आने वाला होता है। इसकी बेस्ट बात यह है कि आपको जब भी ज़रूरत नहीं होती है कार ट्रे की तो आप मशीन में ही फिट करके रख सकते हैं और वहाँ के ऊपर ही आपको जो पेपर होता है फोटो प्रिंट होता है वहाँ आने वाला होता है। इसमें जो बेस्ट वजह है वह आपको वाईफाई मिल जाता है, वाईफाई डायरेक्ट मिल जाता है और यूएसबी का सपोर्ट मिल जाता है। आप नया प्रिंटर परचेस करते हैं तो यूएसबी केबल आपको मिलने वाला इसमें नहीं है और इसमें आपको वाईफाई से प्रिंट निकाल सकते हैं, एप्सन क्लाउड से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, वाईफाई डायरेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और आप एप्सन की जो प्रिंट मीडिया की ऐप है वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट से भी आप कहीं बैठे इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। अब इसकी बेस्ट वजह ये है कि आपको इसमें कार्ड प्रिंट करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो भी आप प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि एप्सन ने जो कार्ड प्रिंट का जो नया ऑप्शन है वही बिठा दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको पूरी स्क्रीन के साथ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो कोई भी आपका कार्ड होता है वो चूज़ कर लेना होता है, स्कैन किया हुआ होता है तो स्कैन कर लेना है। ये प्रोसेस हम जल्दी में आपको बता देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो पूरा जो डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ रख के आप इसके लाइट डार्क भी कर सकते हैं, दो कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है और जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो जैसा ही मशीन में प्रिंट हो जाता है। यहाँ आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और कोई भी लाइट डार्क का सारा सेटिंग इसमें मैन्युअली एप्सन ने ही दे दिया है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे हमारा मशीन प्रिंट करने लगेगा और प्रिंट के साथ आपको ये सिंगल साइड प्रिंट करके देता है। आपको बैक साइड प्रिंट करनी होती है तो ऐसे ही प्रोसेस दोहरा देना है तो आपका बैक साइड भी प्रिंट हो जाता है। अब कंपनी ने वारंटी में भी इसकी बेस्ट बात बता दी है कि आपको वारंटी 50,000 प्रेज और 1 ईयर की वारंटी इसमें मिल जाती है क्योंकि आपका जो पर डे का 140 प्रिंट निकल जाता है तो एक साल में आपको अराउंड 50,000 प्रिंट निकल जाती है। तो आपका इतनी ज़्यादा प्रिंट निकालते हैं तो भी मशीन में कुछ भी होने वाला नहीं होता है और कुछ भी हो जाए तो एप्सन का पूरा सपोर्ट मिल जाता है। एप्सन की जो कस्टमर सर्विस है वो भी बेहतरीन है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो पिकअप होता है और इसका मेंटेनेंस बॉक्स होता है उसमें आपको वारंटी नहीं मिलने वाली होती है। इस प्रिंटर का पूरा आईडी कार्ड का प्रोसेस का वीडियो आने वाला है, उसके लिए नीचे कमेंट में यस लिख दीजिए और ये प्रिंटर अच्छा लगा है या नहीं लगा है यस नो जल्दी से कॉमेंट में लिख दीजिए। और वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।